आज हम आपके लिए लेके आए एक अद्भुत जानकारी। गैंडा यानी रहीनो हाथी के बाद सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर गैंडा है। गैंडा एक आक्रामक जीव है, तो टक्कर मारे तो बड़ी से बड़ी कार भी पलट जाए। लेकिन इन गैंडों के बारे में जानते कितना है आप केवल यही जानते हैं कि इनके पास एक सींग होती है जिसकी मार्केट में सोने से भी ज्यादा कीमत है, और इसी वजह से शिकारी इनका शिकार करते हैं और सींग काट कर मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से वह मालामाल हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां गैंडों से काफी लगाव है? वो उन्हें मारते नहीं सींग के लिए, बल्कि उन्हें पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इन आक्रामक जानवर से पता है आपको, वो लोग खेती करवा रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। बिल्कुल जैसे बैल पाला जाता है, उसी तरह गैंडे पाले जा रहे हैं और उनका प्रयोग खेती के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये गैंडों को रेस्क्यू भी करते हैं। वो इसलिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर से गैंडों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां गिने चुने गैंडे ही बचे हैं। वैसे तो आपको बता दे, दुनिया के अलग अलग कोनों में गैंडों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इतिहास में जैसे कहीं पर इन गैंडों पर सामान ढुलाया जाता था, तो कहीं पर इसे सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। एक वक्त था जब लोग गैंडों का शिकार किया करते थे। लोग इसलिए केवल इन्हें मारते थे क्योंकि इनका सींग काफी कीमती हुआ करता था। मार्केट में इसकी अच्छी खासी कीमत थी, लोग इसे बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते थे। आपको यकीन नहीं होगा, आपको बता दे कि 1 ग्राम गैंडे के सींग की कीमत 1 ग्राम सोने से भी ज्यादा है। जी हाँ, सही सुना आपने। और गैंडे के सींग का 6 किलो वजन ही काफी है आपको करोड़पति बनाने के लिए। गैंडे के सींग का प्रयोग महंगी महंगी दवाइयां और जड़ी बूटियां बनाने के लिए होता है, इसलिए इसकी कीमत सोने से भी महंगी है। आपको बता दें, गैंडा 11 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा जानवर होता है। गैंडे की उम्र 100 साल तक होती है। जन्म के समय गैंडे के बच्चे की नाक पर सींग नहीं होता, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है सींग भी बढ़ता है। गैंडे का वजन 1500 से लेकर 2000 किलो तक होता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार गैंडा 5 करोड़ साल पहले से इस धरती पर है। गैंडे में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें काला गैंडा, भारतीय गैंडा, सफेद गैंडा, सुमांतरण गैंडा और जावन गैंडा शामिल है। भारत में गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रमुखता से पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे की 2/3 आबादी यहीं मिलती है। इसके अलावा भारतीय गैंडा नेपाल, बर्मा और पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। भारतीय गैंडे और जावन गैंडे का एक सींग होता है, जबकि बाकी प्रजाति के 2 सींग होते हैं। गैंडे की त्वचा बहुत मोटी होती है, लेकिन काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको सूरज की गर्मी से बचने के लिए कीचड़ में लेटना पड़ता है। इतना भारी शरीर होने के बावजूद भी गैंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। गैंडे की सुनने और सूंघने की शक्ति काफी अच्छी है, लेकिन देखने की शक्ति काफी कम होती है। मादा गैंडे का प्रजनन का समय 14 से 18 महीनों का होता है और एक बार में एक ही बच्चा जन्म ले सकता है। गैंडे शुद्ध शाकाहारी जानवर होते हैं, जो अपना जीवन व्यतीत घास, झाड़ियां और पत्ते खाकर करते हैं। 50% नर और 30% मादा की मौत लड़ाई करने से होती है। गैंडे के सींग और बाल नाखूनों की तरह बढ़ते ही रहते हैं। और इसके अलावा दुनिया के कुछ इलाकों में गैंडों का इस्तेमाल किसान भी करते हैं, और किसान इन्हें किसी घोड़े या ऊंट की तरह ही रखते हैं, और यह पूरे कंट्रोल में रहते हैं। असल में इन गैंडों से कई तरह के काम कराए जाते हैं, जैसे हल खींचना, खेती करना, सामान ढोना और सवारी करना। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आज के वक्त में दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां बैलों की तरह गैंडों को पाला जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है और उनसे खेती भी करवाई जा रही है, लेकिन उन्हें बिना चोट पहुंचाए। साथ ही कई लोग हैं जो गैंडों को रेस्क्यू भी करते हैं, ताकि उनकी गायब होती प्रजाति को बचाया जा सके। आइए आज आपको मिलाते हैं दुनिया के सबसे बड़े खेत के ओनर से, जिनमें गैंडों से खेती करवाई जाती है, जिनका नाम जॉन ह्यूम है। जॉन ह्यूम ने किसी क्रूर किसान की तरह ना ही अपने जानवरों पर जाति की है, ना ही इनको पीट कर इनसे खेती करवाई है। जॉन ह्यूम ने अपने पालतू गैंडों को एकदम ऐसे पाला है जैसे हमारे यहाँ बैल और घोड़ों को पालते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उनका मकसद केवल इतना था कि गैंडों की गायब होती प्रजाति को बचाने के लिए क्या तरीके निकाले जा सकते हैं, और इसी खोज में उन्हें पुराने जमाने के किसानों की तरह गैंडों से खेती करवाने का विचार आया, और इसमें वह सफल भी हुए। जी हाँ, पुरातन काल में गैंडों से खेती करवाई गई थी और इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। आपको बता दें, जो गैंडों से खेती करवाने की तकनीक है, वो काफी पुराने जमाने से चली आ रही है। इसकी कुछ तस्वीरें भी है जो हमें ये दिखाती है कि किस तरह गैंडों से खेती करवाई जाती थी। उनके सींग और कानों के बीच में रस्सी डाली जाती थी, जिसे 3-4 लोग बड़ी बेरहमी से एक साथ खींचते थे। कई बार तो खेती के दौरान गैंडों के सींग में इतना जोर पड़ता था कि सींग टूट
जाया करता था। तो वो बुरी तरह सींग टूटने के बाद गैंडे बहुत मुश्किल जीवित रह पाते थे। कुल मिलाकर पुराने जमाने में गैंडों से काफी बुरी तरह खेती करवाई जाती थी, जिसके सबूत आज भी मौजूद है। लेकिन जॉन ह्यूम उस वक्त के किसानों से काफी अलग है। उनकी मुहिम है दुनिया को गैंडों को लेकर जागरूक करना, इसलिए जॉन ह्यूम को अपने पालतू गैंडों से जो भी सींग मिलते थे वो उन्हें बेचना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि उनका कहना यह है कि गैंडों को पालना आसान बात नहीं है, यह किसी फुल टाइम जॉब की तरह होता है। दिन भर इसको खाना खिलाना, इनसे खेती करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें पूरा दिन निकल जाता है। जो भी हो, जॉन ह्यूम की माने तो आज की तारीख में गैंडों का अस्तित्व बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि इनसे खेती करवाई जाए। इन्हें केवल एक जानवर की तरह ही नहीं देखा जाए, जैसे हम गायों को पालते हैं वैसे ही किसान इन गैंडों को पाले तो अच्छा होगा। सरकार और आम आदमी को मिलकर कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे कि जॉन ह्यूम ने किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा।